आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोग घर पे ही केराटिन ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और इसका रिजल्ट भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग भी अपने बालों को घर पे ही स्ट्रेट करना चाहते हैं, अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा उलझे फ्रीजी, अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं, आपके बाल में बिल्कुल भी साइन नहीं है, आपके बाल बिल्कुल भी स्मूथ सिल्की शाइनी नहीं है, तो ये वीडियो खासतौर आपके लिए है। आप लोग बहुत ही इजीली अपने बालों को केराटिन ट्रीटमेंट घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होममेड केराटिन ट्रीटमेंट है, आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और ये जो क्रीम आप लोग देख रहे हैं, मैंने घर पे ही बनाई है और बहुत ही अच्छी क्रीम बनके तैयार हुई है। मैंने इसको यूज किया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ क्यों ना ये वीडियो शेयर किया जाए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। चलती हूँ वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ, उससे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी, सो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त काम्या, एंड अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भिंडी ली है, यानी कि लेडी फिंगर्स। भिंडी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। भिंडी में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, सिल्की स्मूथ शाइनी बनाते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेट करते हैं, तो भिंडी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब भिंडी को हमें यहाँ पे काट लेना है। मैंने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भिंडी काट ली है। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप और बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पे चार भिंडी काटी है, आप भी अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक पैन लेना है, जिसमें आप लोग चाय वगैरह बनाते हैं, पानी वगैरह गर्म करते हैं, वैसे ही आपको एक बर्तन ले लेना है। उसके बाद इस भिंडी को उसमें ट्रांसफ़र कर देना है और एक ग्लास पानी उसमें ऐड कर देना है आपको। उसके बाद हमें इसे पकाना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो रहेगा, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका हमें जेल बनाना है। इसको हम 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जब जेल बन जाएगा इसको अच्छे से चलाते रहना है, ये बिल्कुल भी चिपककर नहीं चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं कम्प्लीट, अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी। देख पा रहे हैं आप लोग कि गाढ़ा जेल बन चुका है। हम इसके बाद हमें क्या करना है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, मिक्सी में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। मैं यहाँ पे ग्राइंडर की हेल्प से इसे ग्रेट कर रही हूँ और एक पेस्ट बना रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में। ऐसे ही बिल्कुल आपको बनाना है, इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बन के हो गया है पूरी तरह से रेडी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक खाली बाउल लेना है, उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेना है, खाली रुमाल कटोरी के ऊपर इस कपड़े को डाल देंगे। इस पेस्ट को हमें इस कपड़े के ऊपर डाल देना है, इसको हमें छानना है, स्मूथ पेस्ट निकालना है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं वैसे ही आप लोगों को बिल्कुल करना है। अब इसका पेस्ट मैं पूरी तरह से निकाल लूँगी, निचोड़ लूँगी, इसका पेस्ट बाउल में पूरी तरह से निकल आएगा, जिससे कि बालों में लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये क्रीम की तरह बनके पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, बालों में अच्छे से लग जाएगा। बहुत ही अच्छा जेल बन गया है ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें एक चम्मच कॉर्न स्टार्च लेना है। आप लोग डिफरेंट देख लीजिए, कॉर्न फ्लोर नहीं लेना है, कॉर्न फ्लोर येलो कलर का होता है, कॉर्न स्टार्च व्हाइट कलर का होता है, वो हमें लेना है एक चम्मच। अब इसमें हमें आधा कप पानी ऐड करना है, इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है, इसमें बिल्कुल भी गुलतियाँ नहीं पड़नी चाहिए, अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब इसके बाद इस पेस्ट को हमें इसमें ऐड कर देना है, जो हमने भिंडी का पेस्ट बनाया था उसमें हमें इसको मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला लेना है, जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे ही आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपको एक खाली पैन लेना है, जिसमें हम लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं, वो आपको लेना है और उसमें इस पेस्ट को डाल देना है। फिर आपको लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट आपको ऐसे पकाना है, अच्छे से चलाते रहना है, ये चिपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आपको बना लेना है, क्रीम की तरह बिल्कुल तैयार कर लेना है। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वैसे ही आपको बिल्कुल बना के रेडी करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्रीम बनानी है, लाना नहीं है, बिल्कुल भी गुलतियाँ नहीं पड़नी चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब इसके बाद हमें एक क्लीन बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है इस पेस्ट को। अब उसके बाद हमें एक चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, इसमें मिक्स करना है। उसके बाद हमें एक चम्मच बादाम का तेल लेना है, इसमें ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से इस पेस्ट में मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट रेडी कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। अब ये क्रीम हो गई है पूरी तरह से बन के रेडी हमारी। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लें, आपके बाल साफ़ होने चाहिए। उसके बाद इस पेस्ट को, ये जो क्रीम बना के हमने रेडी की है,
ये आपको क्लीन बालों पे अप्लाई करना है, मतलब आपने एक दिन पहले बाल धुल लिए हों, सूख गए हों, ड्राई हो गए हों, फिर आपको इस क्रीम को अपने बालों में लगा लेना है, पूरे अच्छे से लगा लेना है अपने बालों में। जब भी क्रीम आपके बालों पे अच्छे से लग जाए, अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आपको अपने बालों पे चूड़ा नहीं बनाना है, अपने बाल को ऐसे ही खुला रखना है, बिल्कुल भी सीधे रखने हैं, स्ट्रेट ही रखने हैं, अपने बालों को मोड़ना नहीं है। अगर आपको लगे कि आप इस पेस्ट को लगा के, इस क्रीम को लगा के अपने बालों को ऐसे सीधा नहीं रख सकते हैं खुले हुए, तो आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की जो पॉलिथीन आती है जिसमें कि आप लोग सब्जी वगैरह लाते हैं, वो आपको ले लेनी है। आपको उसको अच्छे से बीच से आपको काट लेनी है लंबी लंबी, और अपने बालों में लपेट लेना है। इससे क्या होगा, जो आपने क्रीम बनाई है वो आपके मतलब कपड़ों पे नहीं लगेगी, अच्छे से बालों में ही लगी रहेगी। 2 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है इसे सूखने के लिए। ये अच्छे से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगी, अच्छे से लग जाएगी आपके बालों में। फिर आप 2 घंटे के बाद जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए, फिर आपको हर्बल शैम्पू से, कोई भी अच्छे शैम्पू से आपको अपने हेयर को साफ कर लेना है, अच्छे से धो लेना है। फिर आप देख पाएंगे आपके हेयर पहले से ज़्यादा सिल्की, शाइनी, चमकदार, आपके बाल फ्रीजी नहीं लगेंगे, आपके बाल स्ट्रेट लगेंगे, सिल्की लगेंगे, शाइनी लगेंगे, बहुत ही सुंदर आपके बाल लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।